स्टॉक ब्रोकर हो तो ऐसा हो जिसमें आपको सारे फैसिलिटी मिले, वो भी बिल्कुल कम चार्जेस में। धन एप्लीकेशन ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है, पर क्या सच में धन एप्लीकेशन आपके लिए सही रहेगा? इस वीडियो में आप ये पता लगा सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर में धन एप्लीकेशन का इंटरफेस, मोबाइल का और वेब का देखने वाले हैं, चार्जेस देखेंगे, रेटिंग देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, ये सारा चीज हम इंक्लूड करेंगे इस वीडियो के अंदर में। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कोई भी पेड वीडियो या फिर कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उससे मैं कहीं पर से भी धन एप्लीकेशन को डीफेम नहीं कर रहा हूँ। जो भी एप्लीकेशन के अंदर में प्रोज होंगे कॉन्स होंगे वो सब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के सबसे पहले पार्ट में बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो धन एप्लीकेशन इंडिया के अंदर में लीडिंग ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो सर्विस या फिर जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है अपने क्लाइंट्स को वो कहीं ना कहीं बाकी ब्रोकर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा अच्छा है। इस वजह से काफी सारे लोग इस ब्रोकर के साथ पे स्विच कर रहे हैं। और इसी के साथ ही धन एप्लीकेशन में आपको इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, आईपीओ और म्यूचुअल फंड के सेगमेंट मिल जाते हैं। और साथ ही एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जिसकी शुरुआत साल 2021 में हुई थी, और अभी धन के पास में 8,49,000 क्लाइंट्स हैं, और ये डाटा अक्टूबर 2024 तक का है जो आगे जाके बढ़ भी सकता है। इसमें ही अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो धन एप्लीकेशन को चार्जेस रेटिंग में 3.5 स्टार मिले हुए हैं, यूजेबिलिटी रेटिंग में भी धन एप्लीकेशन को 3.5 स्टार मिले हुए हैं, और कस्टमर सर्विस रेटिंग में यहाँ पर धन एप्लीकेशन को 4.2 स्टार मिले हुए हैं। इसके बाद में वीडियो के अगले पार्ट में बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और एएमसी चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर धन एप्लीकेशन के साथ में आप लोग अपना अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, और साथ ही जो अकाउंट का मेंटेनेंस चार्जेस होता है वो भी यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है लाइफ टाइम के लिए। अब काफी सारे ब्रोकर्स में होता यह है कि अगर आप वहाँ पर अकाउंट ओपन करा लेते हो तो वहां पर आपको स्पैम कॉल्स आते हैं, स्पैम ईमेल्स आते हैं, लेकिन धन के साथ में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर में इसको क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको यहाँ पर कोई भी स्पैम कॉल्स, स्पैम एसएमएस या फिर मेल्स वगैरह नहीं आने वाले, और आपका डाटा भी यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगा। किसी भी तरीके का डाटा शेयरिंग धन एप्लीकेशन नहीं करता है। तो अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस या फिर ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो इसको चेक करने के लिए हम आ चुके हैं इनके वेबसाइट के ऊपर में। यहाँ पर चल देते हैं हम लोग इनके प्राइसिंग के ऊपर में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी सेगमेंट की। तो यहाँ पर जब आप लोग डिलीवरी के ऊपर में ट्रेड करोगे तो डिलीवरी साइड पर कोई भी ब्रोकरेज का चार्ज आपके ट्रेड के ऊपर में अप्लाई नहीं होगा, मतलब धन कोई भी कमीशन आपके ट्रेड में अप्लाई नहीं करेगा। बिल्कुल जीरो कमीशन में आप लोग डिलीवरी साइड पर ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे साइड पर 0.03% के चार्जेस या फिर मैक्सिमम 20 रुपीज या फिर जो भी उससे छोटा अमाउंट होगा वो अमाउंट आपके ट्रेड के ऊपर में अप्लाई होगा। और वहीं पर बात करें एफएनओ सेगमेंट की या फिर डेरिवेटिव सेगमेंट की, तो यहाँ पर अगर आप लोग फ्यूचर के ऊपर में ट्रेड करोगे तो यहाँ पर भी सेम इंट्राडे वाले चार्जेस अप्लाई होंगे आपके ट्रेड के ऊपर में, मतलब 20 रुपीज या फिर 0.03% के चार्जेस या फिर जो भी उससे छोटा अमाउंट होगा वो अमाउंट आपके ट्रेड के ऊपर में अप्लाई हो जाएगा। और इक्विटी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपके ट्रेड के ऊपर में 20 रुपीज पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग चार्जेस अप्लाई होने वाले हैं। और इसी के साथ ही बात करें कमोडिटी की, तो यहाँ पर अगर आप लोग कमोडिटी फ्यूचर के ऊपर में ट्रेड करोगे तो यहाँ पर भी आपके ट्रेड के ऊपर में 20 रुपीज या फिर 0.03% के चार्जेस अप्लाई होंगे या फिर जो भी उससे छोटा अमाउंट होगा वो अमाउंट आपके ट्रेड में अप्लाई होगा। और कमोडिटी ऑप्शन में 20 रुपीज पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग चार्जेस अप्लाई होंगे आपके ट्रेड के ऊपर में। और अगर आप ETF वगैरह बाय करते हैं या फिर उसमें ट्रेड करते हैं तो डिलीवरी में कोई भी चार्जेस ETF साइड पर भी अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन अगर आप ETF को इंट्राडे के ऊपर में बाय करेंगे तो यहाँ पर आपके ट्रेड में 20 रुपीज या फिर 0.03% के चार्जेस या फिर जो भी उससे छोटा अमाउंट होगा वो अमाउंट आपके ट्रेड में अप्लाई होगा। और वहीं पर अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड साइड पर सारे चार्जेस यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो मिल जाते हैं, मतलब अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो है, प्लेटफॉर्म फी जीरो है, ब्रोकरेज चार्जेस जीरो है, कमीशन जीरो है, और पेमेंट भी यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो मिलने वाला है। लेकिन आप लोग धन एप्लीकेशन के इन चार्जेस को कम भी करा सकते हैं। आपको बस करना ये होगा कि आपको किसी फीमेल के नाम पर अकाउंट ओपन कराना होगा धन एप्लीकेशन के ऊपर में, फिर जो भी चार्जेस यहाँ पर धन एप्लीकेशन आपके ट्रेड में अप्लाई करेगा वो सारे चार्जेस फीमेल अकाउंट के ऊपर में हाफ हो जाएंगे, मतलब अगर चार्जेस 20 है तो वो फीमेल अकाउंट के ऊपर में 10 रुपीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चार्जेस भी बचा सकते हैं। वीडियो के अगले पार्ट में बात करते हैं हिडन चार्जेस या फिर अदर चार्जेस के बारे में जो यहाँ पर धन एप्लीकेशन आपके ट्रेड के ऊपर में अप्लाई करता है। तो यहाँ पर मैंने धन के वेबसाइट के ऊपर में ही डीमैट अकाउंट रिलेटेड चार्जेस को ओपन कर लिया है। यहाँ पर सारे चार्जेस मेंशन है, जैसे यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो है, एएमसी चार्जेस जीरो है जो कि मैंने आपको पहले बता रखे हैं, और इसके बाद में यहाँ पर डीपी चार्जेस अप्लाई होते हैं जो कि धन के ऊपर में 12.50 रुपीज प्लस GST के चार्जेस अप्लाई होते हैं। डीपी चार्जेस डिलीवरी सेल साइड पर अप्लाई होते हैं, मतलब आप डिलीवरी में किसी भी शेयर को खरीदोगे तब ये चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे, जब आप उन शेयर को बेचोगे तब ये चार्जेस अप्लाई होंगे, और बाकी इंट्राडे फ्यूचर या फिर ऑप्शन में ये चार्जेस अप्लाई नहीं होते हैं। फ्लैट चार्जेस की बात करें तो 12.5 रुपीज प्लस GST के चार्जेस अप्लाई होंगे। जो लोग भी MTF वगैरह के यूज करते हैं तो उनको ये चार्जेस देना पड़ता है। नॉर्मली अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये चार्जेस आपके ट्रेड में अप्लाई नहीं होंगे। इसके बाद में काफी सारे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म चार्जेस के नाम पर चार्जेस अप्लाई कर लेते हैं, पर यहाँ पर धन एप्लीकेशन के ऊपर में प्लेटफॉर्म चार्जेस कुछ भी नहीं रखे गए हैं। ऑटो स्क्रॉप चार्जेस 20 रुपीज के रखे गए हैं, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस 50 रुपीज के रखे गए हैं।
और इसके बाद में पेमेंट गेटवे चार्जेस यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू बिल्कुल जीरो हैं। मतलब जब आप यहाँ पर पैसे ऐड करेंगे या फिर पैसे विड्रॉ करेंगे तो उस पर कोई भी चार्जेस कट नहीं करेगा धन एप्लीकेशन। तो वीडियो यहाँ तक देखने के बाद में आपको धन एप्लीकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता चल चुके होंगे। तो यहाँ पर वीडियो के अगले सेगमेंट में बात करते हैं ऐप इंटरफेस और वेब इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ऐप का इंटरफेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो धन एप्लीकेशन का इंटरफेस है वो बहुत सिंपल रखा गया है। जैसे यहाँ पर ऊपर आपको होम का बटन मिलेगा, उसके बगल में यहाँ पर आपको स्टॉक ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी के ऑप्शन मिल जाएंगे। नीचे में यहाँ पर आपको होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर और मनी के सेक्शन मिल जाएंगे। होम के ऊपर में यहाँ पर आपको सारे फीचर या फिर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे स्टॉक, ऑप्शन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, ETF, कमोडिटी, फ्यूचर, IPO, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बात करें मेरे ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस की तो धन एप्लीकेशन वाकई अच्छा एप्लीकेशन है, पर जितने भी एप्लीकेशन होते हैं कहीं ना कहीं इनमें से थोड़ा सा बग होता है। तो इसको अगर आप अपडेट करके रखते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी बग इशू नहीं आएगा। और इसी के साथ ही बात करें वेब इंटरफेस की तो ये रहा धन का वेब का इंटरफेस। यहाँ पर ऊपर आपको होम, मार्केट, पोर्टफोलियो, पोजीशन, ऑर्डर और मनी के ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आपको जितने भी ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग के लिए वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब में जब आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर धन एप्लीकेशन के ऊपर में आप इसको बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। तो ये था पूरा रिव्यू धन एप्लीकेशन के ऊपर में। अगर आपको धन के साथ में अपना अकाउंट ओपन करना है तो इसका बेस्ट ऑफर लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सामने एक वीडियो शो हो रहा होगा तो आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर में।